स्वास्थ्य पे हम बात कर रहे थे कि जैसे महिलाओं को आप मासिक धर्म के समय जो समस्याएं आती हैं, तो इस विषय में महिलाओं को आप जागरूक कीजिए, ठीक है। तो क्या क्या परेशानियां होती हैं, किस तरह की बीमारियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद से उन लोगों को वो चीज़ उपलब्ध कराइए जो उनकी सुरक्षा करेगी। तो अब बात आती है कि वो जो चीज़ उपलब्ध आप तभी करा सकती हैं जब आप उनमें आर्थिक रूप से आप उन्हें सहयोग करेंगी। बाजार मूल्य पे देंगी तो वो तो लेंगी नहीं आपसे, तो आप सस्ते मूल्य में देंगी तभी लेंगी। तो उसके लिए हमारी योजना है कि हम आपके घर में मशीन लगाएंगे, ठीक है। आपके घर में हम मशीन लगाएंगे, आपके घर में वो मशीन लग गई तो उससे क्या होगा कि आप बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी आप देंगी। वो चीज़ जब तैयार होगी तो रोज़गार आप देंगी, तो आपके माध्यम से लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध हो गया। और ये जो चीज़ तैयार हुई, फिर इस चीज़ को आप महिलाओं को उपलब्ध कराएंगी सस्ते मूल्य पे, जो बाज़ार में 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये की है, वो चीज़ आप 15 रुपये में उपलब्ध कराएंगी। उस चीज़ को लोग आसानी से महिलाएं खरीद लेंगी, तो उससे क्या होगा, लोग का भला भी होगा और आर्थिक रूप से आप मजबूत भी होंगी। तो ये हो गया स्वास्थ्य पे काम। स्वास्थ्य के साथ साथ आप शिक्षा पे भी काम कर सकती हैं। जैसे जो बच्चे बाल मजदूर हैं, छोटे बच्चे जो मजदूरी करते हैं, उन्हें आप अपने घर में ही उन्हें शिक्षित कर सकते हैं, यानी अपने घर में ही क्लास चला सकते हैं। एकल स्कूल उसे कहा जाता है, जो एक व्यक्ति द्वारा संचालित होता है। आप एकल विद्यालय चला सकती हैं, एकल स्कूल चला सकती हैं, तो उन्हें आप शिक्षित भी कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो बाल श्रमिक जो होते हैं ना, वो सिर्फ शिक्षित होना नहीं चाहते हैं, उन्हें रोज़गार भी चाहिए, उन्हें पैसा भी चाहिए। तो उन्हें आप क्या करेंगी कि आप उन्हें कुटीर उद्योग से भी जोड़ेंगे, वो पढ़ाई भी करेंगे और साथ में कुटीर उद्योग से भी जोड़ेंगे, यानी कि हाथ से बनी हुई वस्तु का निर्माण करेंगे। तो उससे क्या होगा, उन्हें 2 रुपये आप दे देंगी तो वो मजदूरी करने नहीं जाएंगे। मजदूरी एक मजदूरी कई प्रकार की होती है, एक भारी काम करना, धूप में काम करना और कूड़ा उठाना, और एक हो गया ठंडे छत के नीचे रह के शिक्षा भी प्राप्त करना और बैठ के मनोरंजन के साथ किसी वस्तु को निर्माण भी करना, और वो भी किसी दबाव में नहीं, स्वतंत्र रूप से। मन करे बनाओ, मन करे मत बनाओ, बस जो बनाओगे उसका प्रासंगिक मिलेगा, नहीं बनाओगे नहीं मिलेगा, कोई फाउंडेशन नहीं जी। हाँ, तो ऐसा माहौल हम देंगे कि वो लोग शिक्षा भी प्राप्त करेंगे, उन लोगों का मनोरंजन भी होगा, वो सामान भी तैयार करेंगे, उन्हें 2 पैसा भी मिलेगा जी।